सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्यपुस्तक मेधा का पाठ 10 दो कलाकार जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, उसका भाग 1 है ना, और समझ भी लिया है। अब आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने पढ़ा कि दो सहेलियां होती हैं, है ना, चित्रा और अरुणा, दोनों बहुत बड़ी कलाकार होती हैं। और देखिए इसमें चित्रकार कौन होती है, चित्रा, और चित्रा जो है धनी भी होती है, पैसे वाली होती है। और उसके बाद चित्रा का प्लान बनता है विदेश जाने का, तो पिताजी पत्र में हाँ कर देते हैं कि अगर तुम्हारी पढ़ाई टाइम पे पूरी हो जाए, निमट जाओ, तो तुम जा सकती हो, है ना। तो कल अपन ने यहाँ तक पढ़ा था, अरुणा हैरानी से बोली, आखिर क्या हो गया ऐसा जो तुम्हें रुकना पड़ा, तो उसे क्यों रुकना पड़ा ये अपन देखते हैं। गर्ग स्टोर के पास जो पेड़ था, उस पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारी बैठी रहा करती थी। ना लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे बुरी तरह रो रहे हैं। एक रफ स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई, चित्रा ने कहा। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के दरवाजे पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। ट्रेन चल पड़ी पर अरुणा नहीं आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई, उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश देखिए, तो वो जा रही थी तो उसको अपनी सहेली का तो लगता ही है, अपनी जो खास सखी है वो क्यों नहीं आई, उसको ढूंढ रही थी उसकी आंखें, और इतने में चित्रा क्या होता है विदेश पहुंच जाती है, और वहां पर जो है उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और दो अनाथ बच्चों के उस चित्र की तारीफ में तो अखबारों के कॉलम भर गए, बहुत तारीफें हो रही थी अखबारों में उसके चित्रों की। पहले साल तो अरुणा से पत्र के द्वारा बातचीत होती थी, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गई। पिछले एक साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ वाला चित्र पहला इनाम पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता हैरान रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो उसका बड़ा स्वागत हुआ। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का बड़ा आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी मुलाकात अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा अरुणा के गले से लिपट गई। दोनों सहेलियों में बहुत प्यार था। अरुणा को देखते हुए उछल पड़ी और बहुत खुश हो गई। तुम्हें कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी, तुम तो एकदम भूल ही गई। अरे दोनों आपस में सहेलियां बातें कर रही हैं। अरे ये बच्चे किसके हैं? दो प्यारे से बच्चे अरुणा से चिपक कर खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8 साल की। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने कहा। किससे कहा? बच्चों से। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया। कैसी मौसी है, प्यार तो कर, अरुणा ने कहा। चित्रा ने दोनों के सिर पर प्यार का हाथ फेरा। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। मौसी आप हमें सारी तस्वीरें दिखाइए, बच्चों ने फरमाइश की, और चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने जा पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतना विख्यात कर दिया, विख्यात मैंने प्रसिद्ध कर दिया, फेमस कर दिया, नामी शामी बना दिया। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर लड़की ने पूछा। इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती, बालक मौका मिलते ही बोला। मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाइए, राजा रानी की,
परियों की, बच्चे कहते हैं मौसी हमें तो आप राजा रानी और परियों की तस्वीरें दिखाइए, ऐसी तस्वीर हमें नहीं चाहिए। और चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। जैसे ही बच्चे आंखों से दूर हुए उसने अरुणा से पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ बनाने चली है? तो एक पल रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शब्द शायद विचारों में खो गए, उसको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं इसको क्या बताऊं। तो ये बेटा हमारा पाठ पूरा हो गया है, अपन कुछ प्रश्नों के द्वारा इसका रिवीजन कर लेते हैं, है ना। अरुणा ने बच्चों के बारे में चित्रा को क्या बताया? अरुणा ने बच्चों के बारे में चित्रा को बताया कि ये तुम्हारी मौसी हैं और वह काम मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया। चित्रा ने अरुणा से ऐसा कब कहा? चित्रा ने ऐसा तब कहा जब अरुणा ने उसे कुछ गरीब लोगों की सहायता करने का सुझाव दिया। अरुणा चित्रा को स्टेशन छोड़ने नहीं जा सकी। क्यों? इस कारण से क्यों हुआ? अरुणा उस बुढ़िया को देखने चली गई थी जिसके बारे में अरुणा ने अरुणा को बताया गया था। बच्चों ने चित्रा से किस प्रकार के चित्र दिखाने का आग्रह किया? बच्चों ने चित्रा से राजा रानी और परियों के चित्र दिखाने का आग्रह किया। तो बेटा आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है और आपका गृह कार्य है इस कहानी का भाग दो आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें से 5 और 6 प्रश्न बना करके अपनी रफ कॉपी में उसका उत्तर लिखेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।